अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए, भाई के यहाँ ख़त्म शरीफ हो गया था, बड़े भाई के यहाँ था और न्याज थी। तो अभी रात को बहुत लेट आई हूँ वहाँ से खाना खा के, और ख़त्म के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। और फिर ऐसा दिल नहीं चाह रहा था कि वीडियो बनाऊं, तो फिर रात को खाना खा के आए थे। काफ़ी लेट हो गया था और अभी सुबह में जल्दी उठने का होता है। मेरे हस्बैंड के लिए टिफिन वगैरह बनाया और मारिया गए हैं ट्यूशंस, वहाँ से कॉलेज जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उसको साथ में ले जाते हैं 8 बजे, 8:30 बजे के करीब। तो रोटी बनाई थी, चाय बनाए और फिर करेले की सब्जी बनाई थी सुबह में टिफिन में। और आज काफ़ी थकान सा महसूस हो रहा है और मेरी आंखें भी बिल्कुल सूज गई एकदम से। तो मैंने आपको बताया नहीं भाई के यहाँ डिब्बे में क्या मिला था न्याज में, तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं और मारिया हम दोनों ने ही पढ़ा था ख़त्म, क्योंकि फिर अलविदा के ट्यूशन का टाइम होता है तो दोपहर का, तो उन्हें टाइम अभी नहीं मिलता, तो छुट्टी नहीं होती क्योंकि अभी 10वीं क्लास में। तो एक दिन की भी टीचर जो मैडम है उनकी जो छुट्टी नहीं करती है, और छुट्टी करने का कहें तो फिर वो गुस्सा कर देती है, इसलिए वो भी ख़त्म पढ़ने नहीं बैठे थे और आफरीन भी नहीं। और आफरीन की मुझे आज बुक लेने जाना है, दूसरे सेमेस्टर की स्कूल स्टार्ट हो गई है। तो बोले कि मम्मी चलो मुझे दिला दो, तो मैंने कहा चलो, तो अभी थोड़ा बहुत काम करूँगी और फिर उनके साथ जाऊँगी। तब तक भी जो ऑटो वाले भैया है वो आ जाएंगे उनको लेने, तो अभी मैं उनके साथ जाऊँगी दूसरे सेमेस्टर की बुक सब लेने। और पाउच वगैरह जो भी उन्हें चाहिए, पेन पेंसिल वगैरह, तो दिला दूँगी। और चलिए आपको बताती हूँ कि क्या मिला था भाई के यहाँ से न्याज में। तो देखिए आज यहाँ पर 2 डिब्बे थे मेरे, और देखिए यहाँ पे थे पैसे थे और ये पेड़ा जोली और ड्राई फ्रूट्स थे और चेवड़ा था, सब इस तरह से था और ये डिब्बा था। तो आज हमारे 2 डिब्बे न्याज में हमें मिले हैं। आज आफरीन और अलमीरा नहीं पढ़ने थी, इसलिए 2 है मेरा और मारिया का। तो अभी मम्मी के यहाँ भी ख़त्म बाकी है, तो देखते हैं कब होता है इंशाल्लाह। और उन्होंने भी जो मदरसे के बच्चे उनको खाने का बोला है, तो चलिए अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और इसके साथ फिर जाते हैं बाजार बुक्स वगैरह लेने। किचन का हाल बिल्कुल गंदा है, सब चलिए क्लियर करती हूँ। और बहुत थकान में ऐसा हो रहा है कि सो जाऊँ फिर से। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और आफरीन भी रेडी हो गए हैं, तो हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं बुक्स लेने। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं और आफरीन दोनों माँ बेटी बुक्स लेने आ गए थे दूसरे सेमेस्टर के, तो मैंने आपसे कहा वैसे ही। और यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली, फिर दूसरी शॉप गए थे वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली, तो मैं आपको देखिए घर आ गई और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब बुक्स लिए हैं, ये सब लिखने के लिए लिए हैं, फिर एक स्टेपलर लिया है क्योंकि पहले वाला स्टेपलर ख़राब हो चुका है, और ये पाउच लिए हैं तो एक मारिया के लिए है, और ये कवर है, और ये जो पेन लिखते हैं ना इसका पूरा पैकेट ले लिया है। और अभी शाम को आफरीन जब आ जाएगी मैडम को दिखा देंगे कि बुक्स सब बराबर है, इसके बाद ही इस पर कवर लगाएंगे। तो अभी देखिए मारिया कौन सा रखते हो और आफरीन कौन सा रखते हैं। तो देखिए ये पूरा पैकेट था, तो अभी ठंडी का मौसम होने लगा है, तो मैंने भाई से कहा था कि देखिए जम नहीं जाएगी ना, ऐसी दीजिएगा। तो सॉफ्टनर साइनर्स क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ये बहुत अच्छी पेन आती है तो यही यूज़ करते हैं। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, तो क्या है कि अभी लेट हो गया है, लेकिन अभी आफरीन को मैंने कहा कि आज नहीं खाना है, तो आप लंच में के टाइम खा लेना, टिफ़िन बॉक्स में ले जाना। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि बच्चे लोग ये शौक़ से खा लेते हैं
और उन्हें अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे आज ग्रीन मसाले के बनाए थे, तो आलू उबले हुए थे ना, तो मैंने कहा कि चलो यही कर देती हूँ। तो ग्रीन मसाला मैंने जैसे कि हरी मिर्च है, अदरक है, धनिया है और पुदीना, ये तीनों कूट लिया था। मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं कूटना, फिर क्या है कि एकदम आलू जो है वो अच्छे नहीं देते, फिर मिक्स से हो जाते हैं। तो फिर मैंने देखिए इसमें आलू जो फ्रिज में रखे हुए थे बॉईल करे हुए, इसमें हरी चटनी मिलाकर मैंने इसे जुगाड़ कर लिया बच्चों के लंच का, दोपहर का टाइम, क्योंकि अभी लेट हो गया है तो लंच तो नहीं कहेंगे इसे, क्या है सॉरी, ब्रेकफास्ट तो नहीं कहेंगे, लंच भी नहीं कहेंगे, ब्रंच कह देते हैं इसको आज हम। और अगर आफरीन के नहीं खाना होगा तो वो लंच बॉक्स में भी पैक कर दूंगी। और जल्दी जल्दी में देखिए ऐसे आज फट गया था आलू का पराठा मुझसे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और अभी ऑटो वाले भाई भी आ जाएंगे, फिर क्या है लेट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी में देखिए मुझे सब करना होता है, सुबह के टाइम तो ज़रा भी टाइम नहीं होता है और बाज़ार जाए फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं दो ही पराठे बनाऊंगी, बस दो ही, तो वो अचार तो खाते नहीं है, अचार अच्छा लगे बच्चों को ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, वो दही के साथ ही खाते हैं या तो फिर केचप के साथ। इसके बाद देखिए पूरा काम में घर का जो फैला हुआ है वो बहुत कुछ बाकी है, वो सब करना है। और मारिया गए हैं ट्यूशंस, मैंने कहा वहाँ से कॉलेज एग्ज़ाम स्टार्ट है अभी, और आफरीन अभी एक होते हैं मैं और आफरीन अलविरा भी नहीं है, तो यहाँ पे अभी दो पराठे बना लूँगी। तो वो फिर क्या है कि आफरीन को खाना होगा तो खाएगी, नहीं तो साथ में ले जाएंगे। और उसके बाद काम काज करके फिर मैं बनाऊंगी लंच, और काम बहुत ज़्यादा है, सब कुछ आज मैंने आपसे कहा ना कि सब फैला हुआ है। तो सुबह के टाइम तो हर लेडीज़ को यही सब रहता है, काम वगैरह, और फिर मुझे बाजार भी अकेले हाथ ही सब करना होता है, तो फिर मैं इतना मैनेज कितना कर पाऊँ बाजार और घर का दोनों का साथ में हो जाता है, तो फिर टाइम जरा भी नहीं रहता। और अभी टाइम देखिए कितना एकदम दिन एकदम टूका वाला हो गया है, 6:15 बजे तक मगरिब की अज़ान हो जाती है और फिर क्या है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है। अभी इस टाइम ठंडी तो इतनी ज़्यादा नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी एकदम सर्दी का मौसम आने लगा है, ऐसा अंधेरा हो जाता है। और आफरीन हो रहे हैं अभी रेडी, तो उनको मैंने कहा बुक्स वगैरह भर लो, और अभी वो यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया है इनका, तो वो भी कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। फिर उनको जो करना होगा वो नाश्ता वगैरह वो करेंगे, फिर नहीं तो इस टाइप का। देखिए यहाँ पे हो गए हैं हमारे आलू के पराठे, और आफरीन मत देखिए स्कूल जाने के टाइम भी ये छेले घड़ी तक लड़ लेते हैं टीवी से, पोगो से, जहाँ अब तक ऑटो नहीं आती तब तक। और देखिए यहाँ पे मैं बैंगन सेक रही हूँ, काम सब हो गया है और किचन भी क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा सब हो गया है, और भी कपड़े भी वो बस थोड़े ही है, कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है, तो खाना बना के दोपहर में मैं धो लूँगी, बर्तन वगैरह भी सब हो गए हैं। और लंच में बनाऊँगी बैंगन का भरता, तो ये देखिए बन गया है हमारा बैंगन का भरता, इसके साथ बनाए हैं मैंने बाजरे की रोटी, तो अच्छा लगता है ना, अभी सब्जियां बहुत अच्छी आने लगी है, तो बाजरे की रोटी बन गई है, गाजर का अचार, तो ये है आज का हमारा लंच। और बहुत हैवी हो गया था ना कल सब खाने का, तो फिर आज सिंपल सा रखते हैं ताकि हमारा जो पेट है उसको भी नुकसान ना हो, बस एक दिन ही हो जाता है तो दूसरे दिन में बिल्कुल खाने में एकदम हल्का वाला सब ले लेती हूँ। फिर दाल चावल है ऐसा है, फिर आज मुझे भरता बनाना है बैंगन तो अभी का। सब खाना पीना हो गया है, तो मैंने आपको दिखाया था कि बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी बनाई थी, तो अभी विंटर स्टार्ट हो गया तो सब्जियां बहुत अच्छी आने लगी है, तो आज दिल करा तो बैंगन का भरता बना लिया। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है, और फिर कल मम्मी के यहाँ गोश्तिया ख़त्म और न्याज है, तो वहाँ मुझे जाना भी होगा, तो फिर एक दिन और बिजी हो जाएगा, तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और इस महीने के सिपारे पढ़ने के बाकी है मेरे, मस्जिद के जो होते हैं दर महीने के 5, तो उठने के बाद मैं सिपारे पढ़ लूँगी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, ताकि थोड़ी सी क्या है कि थकान उतर जाए, उसके बाद मैं मस्जिद के जो सिपारे वो पढ़ लूँगी,
तो चलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और आफरीन स्कूल से आ गए हैं और वो कर रहे हैं शाम का खाना का, और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ सिपारे। तो आज की वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़।